देवं दर्शनं प्रियां देवं श्रुति च व्यापकः नाम श्रुति भगवती योगक्षेमो आचार्ययः। यशोदा मैया ने गर्ग ऋषि को विदा किया। भोजन का महत्व सुनिए कथा में। गर्ग ऋषि को विदा किया है और विदा करने से पहले यशोदा मैया आचार्य जी को भोजन कराना चाहती है। जो भी ब्राह्मण हमारे घर हमारे कुल में आया है हमारे बच्चों का नाम बढ़ाने के लिए उनको हमें सोना चांदी हीरा मोती देकर विदा करना, भोजन करवा के विदा करना। कैसा भोजन कराना? जिस भोजन में साक्षात गोविंद प्रकट हो जाएं इतना पवित्र भोजन करवाना चाहिए। आज यशोदा मैया भोजन पका रही है। भोजनालय में स्वयं जिनके घर दुनिया भर के नौकर नौकरानी काम करते थे आज स्वयं भगवान सदगुरु पधारे तो मालकिन स्वयं भोजनालय में प्रवेश कर गई है। महाराज रोज नौकरों से खाना पकवाओ पर जब संत महात्मा ठाकुर जी आए तब स्वयं बड़म्पन छोड़कर भोजनालय में जाकर भोजन की सेवा लेकर गुरु की पुण्य के भागी बन जाओ। हाँ महाराज, अरे गरे नत्थू खेरे भोजन पकावे तो सबरो पुण्य तो भोजन में ही है साधु संतन के। महाराज गर्ग ऋषि को भोजन परोस दिया, थाली रख दी सोने की चौकी पर। आचार्य ने हाथ में जल लेकर आचमन कर लिया और भगवान को प्रणाम करके भोग लगाने लगे। जैसे ही भगवान पालने में आचार्य की ओर देखने लगे, ओ पंडित क्यों बुला रहा, खाम खाम फिर रूठे फिरेगा। पर गर्गाचार्य बहुत ही प्रामाणिक थे। महाराज बुलाया, आओ प्रभु भोग लगाओ, आपका प्रसाद ही पाऊंगा। जैसे ही ब्राह्मण के नेत्र बंद हैं और ठाकुर जी पालने से खड़े हो गए और खीर और रबड़ी की कटोरी उठा के पी गए और उल्टा करके कटोरियों को जोर से थाली में पटका, धड़ाम से आवाज हुई, ब्राह्मण की आंखें खुली। ब्राह्मण ने देखा कि कोई बिल्ली आकर खेल खत्म कर गई, किसी बिल्ली ने गड़बड़ कर दिया। ओ यशोदा, अरे भोजन खराब हो गया, झूठा हो गया, झूठा हो गया। तब ब्राह्मण की नजर पालने में पड़ी, लाला के होठ बिगड़े पड़े। अब तो ब्राह्मण कहता है बालक इतना छोटा सवा महीने का ये कैसे आएगा, कैसे खाएगा। बाद में सोचा एक बार नहीं खाएगा तो इसके मुंह पर रबड़ी खीर आई कहां से। अब तो ब्राह्मण ने कहा कि तेरे बालक ने ही आज आचार्य का धर्म बिगाड़ दिया। ओ बनिया की, तेरे लाला ने मेरा भोजन झूठा कर दिया। यशोदा मैया दौड़ पड़ी, महाराज क्षमा करना, बालक छोटा है, भूल हो गई, मैं दूसरा भोजन बना के आप कृपा कीजिए। यशोदा मैया ने दूसरा भोजन बनाया, ब्राह्मण को दूसरी चौकी रखी, परोस दिया। ब्राह्मण नियम का पक्का, फिर हाथ में पानी ले लिया, फिर मंत्र बोलने लग गए। अन्नपते न सनो देहनमी वस्य सुस्मिना प्रप्रदाता रंतारि सहुर्जन्नो देही दिपदे चतुष्पदे केवलादि केवलम भूत्या या सर्वेशाम। हे भगवान स्वीकार करो, आप स्वीकार कर लेते हैं तो सारा ब्रह्मांड खा लेता है और सबको खिलाकर जो खाता है उसी को अन्न स्वास्थ्य प्रदान करता है। सबको खिला के जो खाए अन्न उसी को स्वास्थ्य देता है। माना सबके हिस्से का जो खाते हैं वो बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा बीमार लोग कौन है, करोड़पति से ऊपर के लोग ज्यादा बीमार हैं और थोड़े नीचे नीचे डाउन 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 तो बीमारी कम 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 कम। ज्यादा लोगों का हिस्सा जो आदमी खा रहा है वो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रख सकता है। अब तो भगवान नाराज होके बैठे, भाई खाने जाओ तो पंडित जी नाराज हो जाता है और नहीं खाने जाओ तो भक्ति का फल नहीं मिलेगा, क्या करना चाहिए। तब भगवान सोच में आ गए। तब गोविंद ने निश्चय किया कि ब्राह्मण नियम का पक्का है, जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी थाली को देखकर दोनों हाथ जोड़ के थाली को भगवान का रूप समझ लेता है, प्रणाम करता है, एक दिन उसे गोविंद थाली में दर्शन देने पधारते हैं। आज ब्राह्मण की खीर की कटोरी में नंद के लाला गोविंद प्रवेश कर गए। चावल की महिमा इसीलिए तो ज्यादा है, चावल में विष्णु का अवतार माना गया है। चावल की खीर थी उसी में गोविंद बैठ गए। जैसे ही पंडित ने आचमन किया, आंखें खोली, दोनों हाथों से खीर को प्रणाम किया, देखा चतुर्भुज नारायण भगवान का दर्शन हो रहा है।
ब्राह्मण से रहा नहीं गया, चिल्लाने लगा, ओ यशोदा भाग भाग भाग, अरे ये तेरो लाला नहीं है, ये तो नारायण है नारायण। पवित्रता के साथ भजन गीत गाते गाते, राम का नाम गाते भोजन पकावे, कोई संत भोजन करेगा, कोई ठाकुर भोजन करेगा, ऐसे भाव से कोई महिला भोजन पकाती है तो उस भोजन में भगवान प्रवेश हो जाते हैं और सदैव सदैव पति की पुत्र की बुद्धि को अच्छा रखते हैं महाराज। आजकल तो महाराज भोजन बनाने के स्टाइल ही अलग हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यहाँ लगा के वायरिंग करके, यहाँ कान में तार लगा हुआ है, गाना चल रहा है मोबाइल का और मैडम टेढ़े टेढ़े पराठे बना रही है। जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। बस आगे का नहीं कहते। भोजन बनाते समय क्या कहना चाहिए रुक्मणी? आ जाना घनश्याम मेरी गली होके जाना रे, मेरे घर होके जाना रे। हाँ आ जाना मेरे श्याम मेरे घर होके जाना रे, मेरे घर होके जाना रे। हाँ सोने का लोटा यमुना जल पानी, सोने का लोटा यमुना जल पानी, और नहा के जाना रे, मेरे घर आके जाना रे। ओ आ जाना घनश्याम मेरे घर आके जाना रे, मेरे घर आके जाना रे। हाँ रेशम की चादर झल्लर के तकिया, रेशम की चादर झल्लर के तकिया, हाँ सो के जाना रे, मेरे घर हो के जाना रे। भोजन बनाते समय ये गीत गाओ, देखो फिर कमाल भोजन का मारा है। एक और गाना याद आ गया भोजन बनाते समय वाला महिलाओं का, तुतक तुतक तूतिया। अब बताओ गाना ही तूतिया है तो भोजन का है सेब तो बनेगा।